नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चार का पारा अलाव ही सहारा। सोमवार को सुबह न्यूनतम पारा 4 पर पहुंच गया। रविवार को भी यह 4 डिग्री पर था। दोपहर में अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह 8 बजे तक घना कोहरा छाए रहने से यातायात खासा प्रभावित रहा। जरूरी काम से ही लोग घरों से बाहर निकले और अलाव का सहारा ढूंढते रहे। सूर्य देव की लुका छिपी का खेल दिन भर चलता रहा। सोमवार की सुबह कोहरा के चलते वाहन चालक हेडलाइट ऑन करके चल रहे थे तो दोपहिया वाहन सवारों का काफी बुरा हाल था। हालांकि लोग कान मुंह नाक को पूरी तरह ढके हुए थे। कोहरे के चलते कई वाहन तो ढाबों पर नजर आए। शाम होते ही वातावरण में फिर से सर्दी की सिहरन बढ़ गई, जिससे सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बाजारों में ज्यादा पहल चहल नजर नहीं आई। व्यवस्था के तहत किसान ऐसी सर्दी में फसलों की देखभाल करने में जुटे हुए हैं। शाम होते ही लोग घरों में ही कैद हो गए। इक्का दुक्का स्थानों पर नजर आया अलाव। दिन में शीतलहर इस कदर चल रही थी कि सर्दी से बुरी तरह ठिठुर रहे कुछ लोगों ने दिन में कूड़ा करकट एकत्रित करके अलाव जलाकर गर्मी पाई। वहीं शहरों में लोग कच्चा कोयला व लकड़ी का जलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से लगाए गए अलाव इक्का दुक्का स्थानों पर ही नजर आए। जारी रहेगी शीतलहर। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी और बारिश होने से मैदानी क्षेत्र में शीतलहर अभी 2-3 दिन और चलेगी। इसके बाद मौसम में बदलाव होगा। दक्षिण क्षेत्र में बारिश होने से मौसम फिर से प्रभावित होगा। किसान रबी की फसलों की विशेष देखभाल करते हुए निराई गुड़ाई करें। आलू में झुलसा तो सरसों में माहू रोग फैलने की आशंका है। कृषि वैज्ञानिक की सलाह के अनुरूप कीटनाशकों का छिड़काव करें। उषाहार से संवाददाता गौरव शाके की रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे तेजस 24 न्यूज़।